हेलो गाइस, दिस इज गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट, कितनी तरह की बॉडियाँ होती हैं। इसे बेसिकली तीन तरह की होती हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। ओके, फोटो शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सो बात करते हैं पहली वाली बॉडी की, एक्टोमॉर्फ की। देखिए, एक्टोमॉर्फ एक तरह की ऐसी बॉडी होती है, थोड़े मतलब वो चार ही पतले लोग होते हैं। जब वो जिम या कुछ गेनिंग करने को उतरते हैं तो उन्हें ना ज़्यादा टाइम लग जाता है मसल को ग्रो करने में, और उनकी है ना मतलब आसानी से मसल ग्रो नहीं होती। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, मतलब समथिंग 60-150 साल हो लगातार कंटिन्यू एक्सरसाइज करने के बाद, डाइट लेने के बाद। ठीक है, सो एक्टोमॉर्फ इस तरह की बॉडी होती है, हालांकि बेकार नहीं होती बट बनी है तो है। और मेसोमॉर्फ सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट इसके बाद बात कर लेते हैं कि एंडोमॉर्फ एक तरीके से ऐसे पार्ट बॉडी होती है कि ये आसानी से ग्रो हो जाती है। जैसे कि मेरी बॉडी है आसानी से ग्रो हो जाती है, मैं ना कुछ भी खाऊंगा जल्दी बढ़ जाएगी। सो मेरे को कम हमारा ये बेनिफिट नहीं है कि हमें कम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैं फैट को कम करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मेरी इस टाइप की बॉडी है। और एक होती है मेसोमॉर्फ, ये मेसोमॉर्फ बॉडी ऐसी होती है, एक स्क्वायर शेप बॉडी होती है, ऐसा मान के चलिए आप। ओके, स्क्रीन पर शो रहा हो आपके, ऐसी टाइप की बॉडी होती है। सो इसमें है ना, ये एक ऐसे बंदे होते हैं ना ज़्यादा ये बीच में होते हैं। जब भी इन्हें अपना फैट परसेंटेज लो करना होता है तो ये आसानी से भी कर लेते हैं। जब भी इनको फैट परसेंटेज इंक्रीज करना होता है या मसल बढ़ाते समय इनको इंक्रीज करना होता है तो ये आसानी से कर सकते हैं। इनकी बॉडी है ना दोनों माहौलों में ढली होती है, ना कि एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ की तरह। सो ये तीनों बड़ी बात है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो बस आज वीडियो में थैंक यू।